एक बात नहीं समझ रहे, छोटा सा बड़ा सा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना, भीड़ जमा हो रही है, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है जनता को, इसलिए आपसे निवेदन है आप ऐसी जगह कीजिए जहाँ जनता को दिक्कत ना हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और बोलिए देखकर सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस हम आज जा रहे हैं एक डिफरेंट तरीके का नाटक करने के लिए। इस नाटक को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीट प्ले और हिंदी में बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। बहुत से लोगों ने नुक्कड़ नाटक देखा होगा, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूँ, नुक्कड़ नाटक एक ऐसा नाटक होता है जो किसी भी सोशल इशू पर हम लोग करते हैं, रोड पर करते हैं या किसी सड़क के कोने पर करते हैं। चलिए हम लोग चल रहे हैं, और आज का जो सोशल इशू है वो ये है कि 15 अगस्त को हमारे पीएम साहब ने घर घर तिरंगा की योजना चलाई थी कि जिसमें हर घर पे फ्लैग रहेगा, ठीक है। तो सब लोगों ने बड़े शौक से हर घर पे तिरंगा लगाया, लेकिन उसको उतारना भूल गए। अब इसकी वजह से हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है, क्योंकि वो बारिश में धूप में गंदा हो रहा है, फट रहा है, बंदर लोग फाड़ रहा है उसको, तो उसका अपमान हो रहा है, तो वो गलत बात है ना फिर। तो क्योंकि उन्होंने उसका ऐड किया था लगाने के लिए, लेकिन हटाने का ऐड नहीं किया था। तो आज हम थिएटर आर्टिस्ट लोग जो हैं सोच रहे हैं कि आज इस मुद्दे को लेकर हम लोग एक स्ट्रीट प्ले करते हैं। तो हमारे शहर के डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम लोग चल रहे हैं आज। तो अभी टाइम हो रहा है 4, ठीक है, चलते हैं। 5 से 6 हमारा नुक्कड़ नाटक होगा, तो अभी हमारी थोड़ी सी रिहर्सल होगी लगभग आधे पौन घंटे की। और नुक्कड़ नाटक करने के मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी, और वो आज जाके पूरी हो रही है। तो फाइनली आज मेरी एक और ख्वाहिश पूरी होगी कि मैं नुक्कड़ नाटक करूँगा। तो चलिए चलते हैं फिर। फाइनली पहुंच गए हम लोग अपनी पहली लोकेशन पर, और हमारे साथ में अजय भैया हैं, पंकज भैया हैं, काव्या है, स्पर्श है और मुनीश है, और मैं। हम लोग अपना पहला जो नुक्कड़ नाटक है शुरू करेंगे। तो गाइस जैसे ही हम अपनी पहले लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जो भी रिक्शे वाले हैं, आस पास के जो भिखारी लोग हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि पड़ोस में जो पुलिस चौकी है उसमें से एक कांस्टेबल आके झांकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर जाता है और अपने जो सीनियर हैं उनको जाके रिपोर्ट करता है, और वो सीनियर आके हम सबकी रिपोर्ट लेता है। नानी, एक बात नहीं समझ रहे, छोटा सा बड़ा सा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना, भीड़ जमा हो रही है, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है जनता को, इसलिए आपसे निवेदन है आप ऐसी जगह कीजिए जहाँ जनता को दिक्कत ना हो, ठीक है। वहाँ पे जो पुलिस आई थी कहना ये था कि हमारे पास किसी भी जगह परफॉर्म करने के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी जगह परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लस वहाँ पे जाम लग रहा है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमारे साथ वाले भैया पंकज भैया और अजय भैया गए कोतवाली, और वो लोग परमिशन लेके आए मोहल्ले में परफॉर्म करने के लिए। गाइस हम लोग पहुंचे अपनी सेकंड लोकेशन पे, जहाँ पहले लोकेशन में पहुंचे थे वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया था, तो उसने सबको भगा दिया था क्योंकि परमिशन नहीं थी। अब सेकंड लोकेशन पे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो होगा ना अपमान, और तिरंगे का अपमान तो हमारे देश का अपमान। सही बात है भैया, तो हमारा सबसे अनुरोध है कि भैया अपने अपने घरों में जो आसपास के जो घर है आपके, उसमें अगर तिरंगा कहीं ऐसी अवस्था में दिखाई दे रहा है, यानी कि फटा पुराना कैसा भी, इससे क्या होगा। हम सबसे बन लेते हैं, हम सबसे बन लेते हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। जहाँ भी तिरंगा गंदी अवस्था में मिलेगा, जहाँ भी तिरंगा गंदी अवस्था में मिलेगा, उसे हाथ जोड़कर। फाइनली सेकंड लोकेशन पर हमारा जो नुक्कड़ था वो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया, और कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो वहाँ के सभासद थे उनका सपोर्ट मिला था, और उनकी वजह से जो प्रोग्राम था बहुत ही स्मूथली हो गया। तो गाइस हम लोग अपनी थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं कंपनी गार्डन में, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट लोकेशन पे तो पुलिस ने रोक लिया था, सेकंड लोकेशन सही चली गई थी, अब देखते हैं थर्ड लोकेशन पे क्या होता है। तो भैया ये हम सबको मिलके करना पड़ेगा, तुम्हें बॉयफ्रेंड के समय भैया चकराए या दिल डूबा जाए सजा।
तो गाइस फाइनली नुक्कड़ नाटक हमारा निपट गया है और अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग घर पर। और आज बाल बाल बच गए पुलिस के हाथों सुतने से, खैर सुतते तो नहीं लेकिन बच गए, फिर भी एक झाड़ होने से बच गया क्योंकि लास्ट में फिर बहस भी हो गई थी हमारे साथ वाले पंकज भैया से, तो एक छोटी सी मजाक पर। तो खैर फिलहाल अभी चल रहे हैं घर पर और देखते हैं फिर क्या होता है। गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं और खाना पीना भी हो गया है और ये मेरे साथ में बच्चे हैं दोनों, ये प्रिंसेस और गोलू। अब इन दोनों के नेल्स देखो कितने बड़े हो रहे हैं, नेल्स लगाओ अपने, वाओ वेरी गुड, तुम भी नेल्स लगाओ अपने। अब इन दोनों के नेल्स काटने हैं क्योंकि ये मुंह पे नोचते हैं तो पूरी आंखों पे तक स्क्रैच हो जाते हैं और ये छोटू तो बहुत बाल पकड़ता है, ये बाल पकड़ने के बाद छोड़ेगा नहीं बाल, ये ठीक ना पड़ता है इसके ऊपर, बाल छोड़ दे बाल छोड़ दे बाल छोड़ दे, सुनता नहीं है बिल्कुल ये है। बस 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 हो गया, पुच्ची हो गई करता है। चलो तुम्हारे नेल्स काटने हैं, ठीक है दिखाओ। ची 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 ची। तो गाइस प्रिंसेस के तो दोनों हाथ के नेल्स बिल्कुल कट गए, बहुत बड़े नेल्स हो रहे थे और ज्यादा मैल भर रहा था इसमें। हाथ दिखाओ, ये वाला हाथ दिखाओ, देखो। हाँ भैया तुम्हारे भी नेल्स काटेंगे, रुक जाओ तुम रो मत, चलो दिखाओ तुम नेल्स दिखाओ, चलो अब इनके नेल्स काटते हैं हम। वेरी गुड, कितने प्यार से नेल्स कटवा रहा है ये छोटू, वेरी गुड। अरे अरे भाई 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 मेरे भाई। तो गाइस गोलू के दोनों हाथ के देखो नेल्स कट चुके हैं और ये जब सोता तब इसके नेल्स काटती इसकी मम्मी, लेकिन मैंने इसको आज जागते हुए काट दिए और बिल्कुल रोया भी नहीं, थोड़ा बस गुनगुन आया लेकिन फिर भी इसने नेल्स कटवा लिया। अपने नेल्स दिखाओ प्रिंसेस, नेल्स दिखाओ अपने, वेरी गुड। अब प्रिंसेस के भी नेल्स कट गए हैं और गोलू के भी नेल्स कट गए हैं, अब इन लोगों के नेल्स मुंह पे नहीं लगेंगे, हम लोगों के मुंह सेफ है ना भाई, सेफ है ना, हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ, वेरी गुड। तो गाइस फाइनली मेरी नुक्कड़ नाटक करने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है और बहुत मजा आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी पुलिस वाली लेकिन वो भी निपट गई और एक नए तरीके का एक्सपीरियंस था क्योंकि रोड पे परफॉर्म करने का मजा अलग ही होता है और पहली लोकेशन पर थोड़ी सी लुक लुक हो रही थी, लेकिन वो भी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज दो नए लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और आप सबकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए करते हैं ब्लॉग कहीं पे एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।